चारों तरफ गए हैं, कई बच्चे पहली बार ब्लड दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो पूरा बकरा मंडी के तमाम जो हमारे जो साथी हैं सब लोगों ने बहुत अच्छा एक रक्तदान शिविर लगाकर और बहुत अच्छा एक संदेश जो है वो दिया है। इसको कहते हैं कि भाईचारा, आपस में किस प्रकार से तालमेल, किस प्रकार से भाईचारे की भावना से आपस में एक परिवार की तरह सब लोग मिलकर यहाँ एक, जैसे आपने कहा कि ऐसे लग रहा है कि कोई शादी है, कोई निकाह है, इस हिसाब से लग रहा है। बहुत अच्छा जो है एक इन्होंने रक्तदान शिविर यहाँ करवाया है। लगभग 5 टीमें रक्तदान शिविर में यहाँ जो है ब्लड के लिए, ब्लड एकत्र करने के लिए आई हैं। तमाम रक्तदाताओं का डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी की तरफ से, नवलगढ़ की जनता की तरफ से और तमाम जो सभी आयोजककर्ताओं की ओर से, क्योंकि मैं एक का नाम लूंगा तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस प्रकार के रिश्ते हैं कि कहीं कोई नाराजगी नहीं हो जाए, लेकिन इलियास भाई खड़े हैं पास में, सलीम जी जिंदरान खड़े हैं, हमारे सादिक भाई खड़े हैं, छोटा जमील है, हमारे रफीक भाई हैं, जो कमरू जी हैं, सब लोग जो पूरी टीम है, आरिफ भाई हैं, तमाम जो लोग हैं, मैं कह रहा हूँ सब लोग के नाम जानता हूँ, मुख्तियार भाई हैं, कैलाश जी चोटिया साहब हैं और अख्तर भाई हैं, वाहिद जी हैं, सोएब जी हैं, चलो ठीक है, और सब 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 के वो सर्टिफिकेट लेना है और तमाम जो साथी हैं, पल्ला जी हैं, हमारे कैला जी जांगिड़ साहब हैं, प्लस सर्वे समाज और सर्वे समुदाय के लोग यहाँ एक जो है, जिस प्रकार से कहते हैं ना कि एक एक बूंद से तालाब बनता है, एक एक ईंट से कागार बनता है, मिलन की अजीब ताकत तो देखें, एक एक फूल से गले का हार बनता है। इस प्रकार से एक बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छा एक मैसेज जो है मुस्लिम समाज की ओर से कहूँगा विशेष, क्योंकि इनका ही एक मंत्री जी को कहना था कि सब अब की बार हम भी एक रिकॉर्ड तोड़ रक्तदान शिविर हमारे वहाँ बकरा मंडी में कराना चाहते हैं। तो तमाम जो साथी हैं सब ने मिल के, हमारे कुछ गार्जियन के रूप में कुछ बड़े भाई हैं, कुछ बराबर के साथी हैं, कुछ छोटे भाई हैं, सब ने यह निर्णय लिया कि एक बकरा मंडी में एक बहुत बड़ा रक्तदान शिविर हम लोग लगाएंगे। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक, ऐसे लग रहा है कि कोई शादी है, कोई मेला है, किस प्रकार से एक माहौल यहाँ लग रहा है। सब लोग आपस में भाईचारे की भावना से, सब लोग जो भी आ रहे हैं, सर्व समाज के लोग सब यहाँ रक्त देकर और एक बहुत अनूठा काम कर रहे हैं। और इसका एक ही मकसद है डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का कि किसी भी व्यक्ति की रक्त के अभाव में किसी की जान नहीं जानी चाहिए, यही एक सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ा काम। सर एक चीज देखा, आप महिलाएं भी रक्त देने के लिए खड़ी थी, आती हूँ आपने उनको? देखो ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि आजकल मातृ जो शक्ति है, माताएं बहनें बहुत ज्यादा जो है इसमें रक्तदान को लेकर वो भी काफी उत्साहित हैं और काफी जागरूक हुई। उनका ये जो निर्णय है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका एक बहुत बड़ा निर्णय है और इस प्रकार से उनका रक्तदान जो किया हुआ रक्तदान है वो एक अलग से मैसेज देगा। और खास तौर से मुझे याद है कि ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज में महिलाओं का ब्लड देना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुस्लिम समाज में जो है रक्तदान को लेकर कुछ वो रहती है, लेकिन अब की बार इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो ये हमारा जो रक्त है, ये हमारा रक्त हमारे ही जो परिवार के जो साथी हैं, सर्व समाज सर्व समुदाय के जो लोग हैं उनके जो काम आएगा। जो लोग जाति पाति धर्म की बात करते हैं उन लोगों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। एकदम निकाह का समा होने सर, एक खुशी की याद मनाई जा रहा है, क्योंकि जवान लड़के सब जोश के अंदर थे, 2-3-4 लोग से ना तैयारी में लगे हुए थे और इस ब्लड बैंक का इंतजार कर रहे थे 4 तारीख को, मतलब खुशी के तौर पे एक तरह की शादी का भी मनाया जा रहा। भाई साहब के जन्मदिन के ऊपर है ना, उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी और
खुशी के तौर पे मना रहे हैं इसको, जन्मदिन को भाई साहब को जन्मदिन एक तरह गिफ्ट दे रहे हैं। आपको पहले भी बताया था एक शादी समारोह की तरह हमारे युवा साथी सब लोग एक पूरी टीम की तरह काम कर रहे हैं और हर एक युवा अपना ब्लड डॉक्टर राजकुमार शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको उपहार के रूप में देने के लिए तैयार है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट करके डॉक्टर राजकुमार शर्मा को उपहार के रूप में देंगे। हमारी टीम में बहुत से पूरे युवा बहुत युवा जो ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं, जैसे मेरी जाज भाई है, खालिद भाई सामू है और मेरे बहुत से इफरान जिंदरान हैं और मेरे जितने अमान सब लड़के बड़े बुजुर्ग सब अपने ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं और इस चीज़ को अंजाम पहुंचाने की ज़्यादा से ज़्यादा हम रिकॉर्ड तोड़ शाम तक आपको पता चल जाएगा कि रिकॉर्ड तो कलेक्ट करेंगे हम लोग आपको सूचना देंगे। एक चीज़ प्रमाण की जरूरत कहाँ पर पड़ी है, आप देख रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं, इधर राजपाल भाई साहब देख रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं, औरतें सबसे आगे आ रही है, बच्चे जवान जितने भी है आ रहे हैं और मैंने तो तेरे को पहले ही कह दिया था डॉक्टर मना कर देंगे, अभी रुक जा दो घंटा और डॉक्टर मना कर देंगे, भाई हमारे पास मजा।